लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जो है, बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है और इसी मेगा प्लान के तहत कहा जा रहा है कि अमित शाह का मध्य प्रदेश आने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया और राहुल गांधी के आने से पहले मध्य प्रदेश आकर अमित शाह जो है वो बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में भी इंदौर में मालवा के केंद्र पहुंचकर अमित शाह ने बड़ी शुरुआत की थी और उसका असर भी परिणामों में देखने को मिला था। लेकिन अमित शाह एक दिन में मध्य प्रदेश की कई जगहों पर जाएंगे और इसलिए बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। पहले ग्वालियर में मीटिंग करेंगे, उसके बाद वो खजुराहो जाएंगे, खजुराहो में मीटिंग करेंगे और उसके बाद भोपाल जाने का कार्यक्रम है। लेकिन मध्य प्रदेश के तीन बड़े केंद्रों में जाकर अमित शाह जो है एक बड़ा फीडबैक लेंगे, क्योंकि ग्वालियर चंबल में अगर आप बात करेंगे तैयारियां की गई हैं, खजुराहो में भी तैयारियां की गई हैं। क्लस्टर प्रभारियों की बैठक है, क्लस्टर प्रभारी आपको बताया है बीजेपी ने बनाया है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, ताकि उन क्लस्टर प्रभारियों के फीडबैक के आधार पर लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा सके, खाका तैयार किया जा सके। तो एक लिहाज से लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की लिस्ट आने से पहले अमित शाह का आना बहुत कुछ कह रहा है, संकेत है इस तरीके से कि अमित शाह एक बड़ा फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ वो रणनीति, क्योंकि विधानसभा चुनाव की भी रणनीति के शिल्पकार मध्य प्रदेश में अमित शाह थे, पहले से आकर पूरा फोकस कर दिया था चुनाव पर। ऐसे ही लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो मिशन है 29 सीटों का, वो मिशन पूरा करने के लिए अमित शाह का आना माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह के सामने कुछ बड़े कांग्रेसी भी सदस्य ले सकते हैं, ऐसा संभावना बताई जा रही है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में पार्टी का लक्ष्य 29 सीटों का है और पार्टी चाहती है, ऐसा सूत्र बताते हैं, कि मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्दी आए, तो अमित शाह का मध्य प्रदेश में आना लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। आप देखते रहें अभी तक।